फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पण, मैं आपके लिए लाया हूँ मेरा 2020 गुरुदम्बा राइड का वीडियो। हम लोग 3 मार्च को निकले थे गुरुदम्बा राइड के लिए, ठीक है। हम लोग जब भी निकले थे तब भी रात के 2-2.5 बजे गया था, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाए, ठीक है। और ऊपर से बारिश भी हो रहा था, तो वीडियो करने का पॉसिबिलिटी तब हुआ जब हम फराक्का क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। तो वीडियो वहीं से ही स्टार्ट होने वाला है। और एक बात दोस्तों, मेरे पास स्पेशली कोई भी मोटो व्लॉगिंग का सामान नहीं था, इसीलिए मैं ज़्यादातर अच्छा वीडियो नहीं बना पाया। तो वीडियो थोड़ा जार्की है, ठीक है, तो थोड़ा उसे मैनेज कर लिया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी मोटो व्लॉगिंग का सामान मैं अरेंज कर लूँगा, ठीक है। तो देखते रहिए मेरा साथ, मेरा गुरुदम्बा राइड का फर्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी हम हैं फराक्का क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो फराक्का बीच जो है ना, बहुत लंबा होने वाला है। ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर होने वाला है। तो एक तरफ पानी पकड़ा हुआ है ये डैम, और दूसरी तरफ सूखा पड़ा है। पता नहीं क्यों, पर ये कुछ का ब्रिज का काम वगैरह चल रहा है। तो तुम लोग देखो, एंजॉय करो वीडियो को। और एक बात मुझे पता नहीं था, फराक्का डैम के ऊपर से रेल लाइन भी क्रॉस करता है। हाँ, मैंने हम लोगों ने देखा, ट्रेन भी जा रहा था उस लाइन से। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा चीज़ है। मुझे स्पेसिफिक मुझे पता नहीं था फराक्का डैम के ऊपर भी रेल लाइन होता है, बट देख के बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये रास्ता बहुत नैरो है, ख़राब भी है, तो ठीक है, बट बहुत देखने की चीज़ है। शायद आप लोगों को जाने के टाइम में नया सा एक चीज़ लगेगा देखने में। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, मैं अभी मेरे दोस्त को क्रॉस किया, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारा बैग है, उनमें से एक बैग मेरे दोस्त का भी है। हाँ, क्या करे, इतना सारा बैग लेके बाइक चलाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है। देखिए आप लोग फ्रेंड्स, इसके बाद भी बहुत सा टफ जर्नी अभी तक आपके लिए रखा हुआ है। Okay.
अल्ट्रा वे स्ट्रगल करना पड़ता है ऊपर चढ़। तो देख रहे हैं ये फ्रेंड्स रास्ता कैसे ऊपर आ रहा था। ठीक है, तो मेरा भाई बहुत प्रेशर क्रिएट कर रहा था, ठीक है, बहुत आवाज़ पकड़ रहा था हमारा दोनों का ही। ठीक है, तो बाइक का कंडीशन ठीक ठाक नहीं था तभी, तो देखते हैं मंगन जा सकते हैं या नहीं, रुकेंगे और थोड़ा फ़ोटोशूट करेंगे क्योंकि इस जर्नी में हम लोगों का कोई भी फ़ोटोशूट नहीं हुआ। तो अभी तो रुकना बनता है दोस्तों, तो देखते रहिए फोटो में डाल रहा हूँ। हाँ, वीडियो ख़त्म हो गया, इसलिए ख़त्म हो गया कि हम लोगों के पास जो जो फ़ोन था, तीन जन के पास तीन फ़ोन था, तो कोई भी फ़ोन में चार्ज नहीं था और ऊपर जो हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत ही जल्दी बैटरी ड्रेन हो रहा था। तो इसीलिए हम लोग तब कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, डायरेक्ट होटल गया मंगन तक। हम लोग होटल पहुँचे शायद 7 से 8 बजे तक होटल पहुँच गए, ठीक है, और जल्दी खाना खा के सो गए क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को गुड़गांव के लिए निकलना था बहुत ही जल्दी। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिए। थैंक यू।